गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने आप लोगों का ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया था, उसको रीड किया था, कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे और फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे ईवीएस के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कॉपीज़ के अंदर वो वर्क कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने या स्कूल में कॉपीज़ भी सबमिट कराई हैं, जिन्होंने नहीं कराई वो प्लीज़ अपनी कॉपीज़ जो हैं वो स्कूल आकर और यहाँ पर सबमिट कराएं, चेक करवाएं, ठीक है। अब अपन अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसको और आगे इसको रीड करते हैं, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। आवर एक्सटेंडेड फैमिली अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, इसको देखो अपन ने इसके अंदर सबसे पहले अपन ने इसके बारे में बेसिक नॉलेज ली थी, फिर अपन ने इसके बारे में इमीडिएट फैमिली के बारे में अपन ने इसमें डिस्कस किया था, फिर अपन ने एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, फिर अपन ने अपने फैमिली का स्ट्रक्चर, अपने फैमिली के स्ट्रक्चर का अपने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अपनी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका अपने फैमिली स्ट्रक्चर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अपनी जो लाइफ साइकिल है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अपन ने लाइफ साइकिल भी अपन ने डिस्कस की थी, और अपन ने अडॉप्शन क्या होता है अडॉप्शन भी मैंने आप लोगों को समझाया था, अपन ने उस पर भी डिस्कस किया था कि भाई फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, ऑर्फेंस क्या होता है, है ना। तो अब अपन इसी को आगे रीड करते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट। आप लोग अपने जो टेक्स्ट बुक है वो लेकर बैठ जाएं, उसको रीड बिल्कुल ओपन करके बैठ जाएं, एक पेंसिल अपन हाथ में ले लें, अपनी नोटबुक भी आप लोग एक बार साथ में रखें और अपनी जो बुक है उसमें बिल्कुल कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो पेज नंबर 7 पर अब अपन पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ, मदर इन हर चाइल्डहुड, है ना, मदर इन हर चाइल्डहुड पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो आप लोग भी रीड करो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितनी भी देखो लिविंग थिंग्स हैं इस जो ये अपनी जो पूरी लाइफ है, जो पूरा संसार है इसके अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है, वो टाइम टू टाइम ग्रो करती रहती है, वो रुकती नहीं है, वो ग्रो करती रहती है, अपन भी टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, अवर अपीरियंस चेंज एज वी एज, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं अपना जो अपनी जो अपीरियंस है वो भी बड़ी होती जा रही है, वो भी चेंज होती जा रही है। अपन पहले छोटे थे, स्टूडेंट थे, अब अपन बड़े हुए, ऐसे और बड़े होंगे, है ना। ऐसे जो एज है वो चाइल्ड से लेकर और एजेड पर्सन तक कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है टाइम के साथ साथ, है ना। इसी तरीके आपके जब पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, वो भी एक टाइम होगा जब वो आपकी आप वाली एज में होंगे, बच्चे होंगे, चिल्ड्रन वाली फॉर्म में होंगे, वो अब वो बड़े हो गए हैं, फिर ऐसे एजेड भी हो जाएंगे, है ना। तो अपने टाइम जो है इसका अपनी एज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उस अकॉर्डिंग एज भी बढ़ती जाती है, अपनी जो बॉडी फिजिक है वो भी चेंज होती जाती है, है ना। तो अवर हैबिट्स लाइक्स डिसलाइक्स ऑल्सो चेंज इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है अपनी हैबिट्स हैं, अपनी अपीरियंस हैं, अपने लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। जैसे आपको बचपन में किसी और चीज़ की सब्ज़ी पसंद थी और बड़े होने के बाद किसी और चीज़ की सब्ज़ी पसंद है, मतलब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे अपनी एज बढ़ रही है अपने लाइक्स डिसलाइक्स इन सभी पर अपना इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो अपन इसी इफेक्ट को अपनी मदर से डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। If you ever look at your mother, old photographs, जब भी अपन अपनी मदर के अपनी मम्मा के जैसे जब भी अपन ओल्ड फोटोग्राफ्स देखते हैं, you will find that she too was a little girl of your age, कि जब वो आपकी एज में थी तो वो एक लिटिल गर्ल थी, आपकी मदर जो थी वो जब आपकी एज में थी तो वो भी एक लिटिल गर्ल थी। Ask your mother, अपनी मदर से पूछो about the place where she grew up and the people in her neighborhood she grew up with. तो अपनी अपनी मदर से आप लोग पूछिए कि जब वो आपकी एज में थी तो वो कहाँ पर रहती थी, वो मतलब कहाँ पर उनका जो जो बचपन है वो गुजरा और किन लोगों के साथ गुजरा, उस वक्त उनके नेबर्स कौन कौन थे, ये अपनी मदर से डिस्कस कीजिए आप लोग भी। द स्टोरीज अबाउट हर फैमिली मेम्बर्स स्कूल्स फ्रेंड्स एंड हॉबीज विथ Describe all the similarities and dissimilarities between you and your mother as he and she child. और जितनी भी similarities आप में और आपकी mother में थी उसको आप लोग discuss करो, है ना। और अपनी जो mother थी उनके जो friends थे, उनका school था, उनका जो childhood था वो कैसे गुजरा, उनकी जो बातें हैं वो discuss कीजिए आप। आप लोगों को और नॉलेज पता इसके बारे में मिलेगी और फिर आप एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई आप में और आपकी मदर में क्या डिफरेंस था,
है ना, शायद आप लोग को ऐसे पता पड़े कि हाँ भाई जो लाइक्स जो भी चीज़ें मम्मी को पसंद थी वो ही चीज़ें शायद आपको पसंद हो, है ना। क्योंकि ये जेनेटिक इफेक्ट होता है कि जो फादर मदर होते हैं उन्हीं के कुछ प्रॉपर्टीज़, उन्हीं के कुछ बैड थिंग्स और गुड थिंग्स या कुछ वैल्यूज़ उनके चिल्ड्रंस के अंदर होती है। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आपको भी कुछ सिमिलरिटीज़ आपके मदर या फादर के अकॉर्डिंग आप जब डिस्कस करोगे तो उनको मिलेगी, है ना। तो आप लोग ये डिस्कस कीजिएगा। आप फिर आगे अपन चैप्टर को पढ़ते हैं। वी मस्ट एक्सेप्ट द चेंज दैट टेक प्लेस इन आवर फैमिली ओवर टाइम। और हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो अपने में जो चेंज आ रहा है, जैसे कि आपकी मदर चाइल्डहुड में आपकी तरह थी बट अभी एट प्रेजेंट वो क्या है, वो आपकी मदर है, है ना। तो ये जो चेंज है टाइम के अकॉर्डिंग इसको अपन बदल नहीं सकते। वो अगर आपकी मदर चाहे कि मैं अभी वापस चाइल्डहुड में चल जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता, या आप चाहो कि मैं तुरंत बड़ी हो जाऊँ या बड़ा हो जाऊँ, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो टाइम के साथ साथ जो अपनी एज के अंदर चेंज है इसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन को किसी भी कंडीशन के अंदर इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। एक्सेप्ट द चेंजेस हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग फैमिली बॉन्ड्स। और एक बात और है, जो चेंजेस होते हैं अपनी फैमिली के अंदर, जैसे कई बार ऐसा भी होता है बहुत बैड थिंग्स भी, बैड कंडीशंस भी घर में आती है कि कोई अपने फैमिली मेंबर जो है उसकी डेथ हो गई, या गुड थिंग्स भी आती हैं, गुड टाइम भी आता है अपने टाइम अपनी फैमिली के अंदर कि कोई एक न्यू बॉर्न बेबी या एक न्यू फैमिली मेंबर अपनी फैमिली के अंदर ऐड हो गया। तो ये जितने भी जो ट्रुथ हैं अपनी लाइफ के, इनको अगर जो स्ट्रांगली अगर अपन उसको फील कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब अपन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, अपन अपनी लाइफ के अंत को अच्छे से एक स्ट्रेंथ के साथ अपन डेवलप कर सकते हैं। और अगर जिनकी जो अपनी लाइफ के स्टाइल पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर इन चेंजेस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मतलब फील करते हैं, तो वो अपनी लाइफ के अंदर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक हो जाती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, है ना। चेंज इन हेल्प स्ट्रेंथनिंग फैमिली बॉन्ड्स। और जो चेंज होते हैं वो अपन अगर अपन अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके देखो गुड थिंग्स क्या क्या होती है कि उसमें जो फैमिली मेम्बर्स के अंदर जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बनती है, है ना। डेवलपिंग सेंस, अपना सेंस डेवलप होता है इससे, और अपना सेंस डेवलप होता है अपनी एक लाइफ के लिए, अपना लाइफ के प्रति जो विज़न है अपना वो भी एक स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग होता है वो और बहुत क्लियर हो जाता है वो, है ना। अंडरस्टैंडिंग अमोंगस्ट फैमिली मेम्बर्स। और ऐसा अपने साथ ही नहीं, सारे फैमिली मेम्बर्स के अंदर ऐसा होता है। तो अपन को जो भी लाइफ के अंदर जो चेंजेस हों उसको पॉजिटिविटी के साथ अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे अपनी लाइफ क्या है, स्ट्रेंथ आती है, अपनी लाइफ के अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, ये टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ, मदर इन आवर चाइल्डहुड, ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो इसी पेज पर है, रेस्पेक्टिंग अवर ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़, है ना, अपने ट्रेडिशन और वैल्यूज़। अब आप लोग सोचेंगे सर ये ट्रेडिशन क्या होते हैं, ये वैल्यूज़ क्या होती है, ये है ना। तो देखो ट्रेडिशन क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है, कि वो चीज़ें, वो अच्छी बातें, नॉट बुरी बातें, है ना, वो अच्छी बातें जो कि अपन को अपने जो अपने अपने फादर हैं, अपने मदर हैं, अपने ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनसे मिलती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशंस बोलते हैं। देखो इसके बारे में अपन डीपली पढ़ते हैं। इन अ फैमिली द ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, है ना। जो ट्रेडिशन, वो चीज़ें हैं, वो वैल्यूज़ हैं, वो गुड थिंग्स हैं, है ना, जो कि अब पास्ड ऑन वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती है। ये पास होना मतलब जाना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। उन थिंग्स को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन बोलते हैं। वैल्यूज़ आर द गुड हैबिट्स लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंस। और ये जो इनका जो डेवलप जो होती हैं, ये जो ट्रेडिशन है, जो वैल्यूज़ हैं, वो डेवलप कैसे होती हैं, वो क्या होती हैं, वो गुड हैबिट्स से ये डेवलप होती है। जो अपने फादर मदर, अपने उनके भी जो मतलब ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनसे ट्रांसफ़र होती हुई अपने पास आती है, ये गुड थिंग्स हैं जो कि आपकी फैमिली ने हमेशा उसको फॉलो किया है, उनको अपन बोलते हैं। जैसे कि अपनी किसी एक पर्टिकुलर अपनी जैसे नेबर के अंदर ही, या फिर अपने रिलेटिव्स में ही कोई ऐसे फैमिली होती है जिसके प्रति अपना एक विज़न ऐसा बन जाता है कि नहीं यार वो फैमिली जो है वो बहुत हेल्पफुल नेचर की है,
इसका मतलब उसमें कोई एक पर्सन हेल्पफुल नेचर का नहीं है, इसका मतलब कि उस जो फैमिली के अंदर जो वैल्यूज़ हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है वो क्या है, बहुत अच्छी हैं, हेल्पफुल नेचर वाली हैं। When a value is passed on from one generation to next generation, it becomes a tradition in the family. और ये जो 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 values जो transfer होती रहती है वो दो या तीन transfer के बाद वो एक उनको word use में ले लिया जाता है, tradition। इसको क्या बोलते हैं, tradition। Area wise भी tradition होता है, जैसे अपन बोलते हैं जोधपुरी कि हाँ भाई जोधपुर के लोग जो जिस टाइप का ट्रेडिशन, जिस टाइप की थिंग्स या वैल्यूज़ को जो फॉलो करते हैं, ऐसे अपने क्लॉथ्स में भी होता है। जैसे जोधपुर के लोग जोधपुरी सूट पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो वहाँ का क्या हो गया, ट्रेडिशन हो गया, वो उनके पापा वो पहनते आ रहे हैं, उस टाइप का पहनावा जिसको बोलते हैं वो पहनते आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका एक प्रकार का ट्रेडिशन हो गया। तो ऐसे ही अपने लाइफ के अंदर भी, लाइफ साइकिल के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ होती है जिनको अपन ट्रेडिशन बोल सकते हैं। It becomes a tradition in the family. Helping each other in a family is a very important value. Us this help us to live together peacefully. और जो helpful वाला जो tradition है वो अपन को peaceful environment के अंदर अपन को life गुजारने का एक बहुत ही अच्छा tradition है। ठीक है, next page पे आते हैं अपन। We should follow the following family values. और अपन को कुछ ये यहाँ पर देखो आपके पांच पॉइंट दे रखे हैं, इसके अंदर कुछ फैमिली वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है और बता रखा है कि ये पांच फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो अपने में होनी चाहिए एक अच्छे से अपन को लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए, अपनी एक लाइफ जो है उसको अच्छे से गुजारने के लिए, एक आइडियल लाइफ बनाने के लिए अपन को ये पाँच जो बातें हैं वो अपन को यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर उतारनी चाहिए। देखो फर्स्ट है, वी मस्ट लव एंड सपोर्ट ईच अदर इन आवर फैमिली। अपन को अपनी फैमिली के अंदर सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का, है ना। दूसरा है, और लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए एक दूसरे से। वी शुड ऑलवेज हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स हु नीड आवर सपोर्ट। और जिस जिसको भी अपनी फैमिली के अंदर, नॉट इन आवर इमीडिएट फैमिली, ऑल्सो इन आवर एक्सटेंडेड फैमिली, वी शुड ऑलवेज हेल्प, अपन को हेल्प करनी चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स की जब भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत हो, जब भी उनको सपोर्ट की नीड हो। वी शुड शेयर आवर वर्क विद आवर फैमिली मेम्बर्स व्हेन इट कम्स टू लुकिंग आफ्टर एंड कीपिंग द हाउस क्लीन। और कुछ सेक्टर्स के अंदर जैसे हाउस क्लीन, मतलब अपन को अपना घर की साफ़ सफाई या देख रेख के लिए, या और भी कुछ ऐसे काम है जिसके अंदर अपन को भी अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यूनिटी के साथ, शेयरिंग नेचर के साथ काम को बांट कर करने वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करते हुए अपन को घर में काम करना चाहिए, है ना। एक ही जने पे पूरा काम नहीं डाल देना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे मम्मी है तो भाई घर की जो नीट एंड क्लीन मेंटेन रखना है अगर घर को, तो उस चीज़ को भाई मम्मी कर रही है, अपन ख़राब करें या नहीं, अपन को भी उसमें हेल्प करनी चाहिए। ऐसे भी काफ़ी काम हैं जिसके अंदर अपन को भी घर के अंदर हेल्प करनी चाहिए, है ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी शुड शेयर, ये हाँ ये हो गया। फोर्थ पॉइंट इज़ वी शुड लिसन टू अवर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अपन को अपने से बड़ों की, अपने से रेस्पेक्टेड पर्सन्स की, जिसके अंदर कौन कौन आ गए, अपनी फैमिली मेम्बर्स में अपने पेरेंट्स आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, अपने अंकल आंट भी आ गए इसके अंदर, अपने बड़े भैया बड़े सिस्टर भी आ गए इसके अंदर, तो इस इन सब की अपन को अच्छे से ध्यान से बातें सुननी चाहिए अपन को, है ना। जिससे अपनी क्या होती है, नॉलेज भी इम्प्रूव होती है, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अच्छी वैल्यूज़ हैं वो भी इम्प्रूव होती है, वो भी अपन काफ़ी कुछ सीखते हैं इस चीज़ से। द लास्ट पॉइंट इज वी शुड ऑलवेज स्टे इन टच विथ द फैमिली मेम्बर्स हु लिव एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अस एंड द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो हु लिव इन अ डिस्टेंस विद अस, जो कि अपन से दूर रहते हैं उनके साथ भी अपन को बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए, उनसे भी टाइम टू टाइम उनसे अपन को बात करनी चाहिए, उनकी जो लाइफ में क्या चल रहा है उससे अपन को उनकी बात करनी चाहिए, कुछ अगर बैड थिंग्स हैं तो अपन को सजेशन देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। यही सब बातें हैं जिससे कि अपन की अपनी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रेंथ बनी रहती है, उसकी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, तो ये भी अपन को मेंटेन करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टे इन टच, मतलब अपन को उनके टच में रहना चाहिए। तो देखो इसी पॉइंट के साथ अपना ये चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा ये
फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए और अच्छे से सुनिए, देखिए, बुक में देखते हुए कोई भी वर्ड है उसका अगर आपको मतलब समझ में ना आ रहा हो तो आप फ़ोन में देख ही रहे हैं, आप लोग फ़ोन में जो ट्रांसलेटर है उसका यूज़ करते हुए भी आप लोग इनका मीन समझ सकते हैं। वैसे तो अपन ने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अपना चैप्टर कंप्लीट होता है ये। अब देखो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, आप लोग को वर्क करना है। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ए नंबर वाले, ये तो आप लोग देखो मैं बुक में दिखा रहा हूँ ये। और भाई जिन्होंने बुक्स नहीं लिए वो एज सून एज पॉसिबल प्लीज़ पेरेंट्स भी इस पर ध्यान दें कि बुक्स लीजिए आप लोग, ताकि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, टीचिंग स्टाफ इतनी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो वो उसका एक अच्छा 100% रिजल्ट आउटपुट आ सके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो अपन ने कर लिया था। सेकंड जो है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, ये भी अपन ने कर लिया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर लिया है, कॉपीज़ भी चेक कराई है। जिन्होंने ना कराई हो प्लीज़ आके कॉपी चेक कराएं, ना किया हो तो कर लीजिए, है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी तक स्टडी मटेरियल ही नहीं लिया, तो प्लीज़ आप लोग स्टडी मटेरियल लीजिए, है ना। स्टडी मटेरियल मीन्स आपकी कॉपीज़ और आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो, ठीक है। तो अब अपन आते हैं ट्रू फॉल्स पे। सी नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग अपनी बुक के अंदर कंसिडर कीजिए। इफ़ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली यू हैव ए लार्ज इमीडिएट फैमिली। इफ़ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, अगर आप छोटी फैमिली में रहते हैं तो क्या आपकी इमीडिएट फैमिली बड़ी है क्या? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा इसमें, फॉल्स कर दो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सी की बात कर रहे हैं अपन ट्रू फॉल्स में, है ना। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाओ, योर अंकल आंट एंड कजिन्स लिविंग विथ यू आर पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। नहीं भाई, नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली इज विच मेंबर्स हु लिव्स इन अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, इसमें भी फॉल्स आ जाएगा। थर्ड आएगा फोस्टर पेरेंट्स लव केयर एंड राइज द अडोप्टेड चाइल्ड, बिल्कुल सही है। फोस्टर पेरेंट्स होते हैं वो अडोप्टेड चाइल्ड को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, नहीं करते, केयर करते हैं, नहीं करते, करते हैं भाई, ट्रू आ गया। मैरिज इन ए फैमिली ब्रिंग्स ए चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। फैमिली स्ट्रक्चर में मैरिज से चेंज आता है। अगर आपके किसी ब्रदर की ही शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, तो आपके फैमिली में भी एक मेंबर और बढ़ जाता है, तो अपना फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल ट्रू आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं अपन। देखो फर्स्ट में फॉल्स आया, सेकेंड में फॉल्स आया, थर्ड और फोर्थ में क्या आया, ट्रू आया। अब अपन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। देखो मैं बुक में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, व्हाट इज मीन्ड बाय इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली क्या होती है। देखो इसका आंसर जो है वो अपन ने पढ़ा हुआ है, वैसे तो आप लोगों को खुद को करना चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि इसका आंसर आपको कहाँ से करना है। देखो आप लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 5 पर आ जाओ, पेज नंबर 5 पर देखो ये फर्स्ट लाइन दे रखी है इसके अंदर इमीडिएट फैमिली में, All the people who live with you at your home are a part of immediate family. ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है what do you understand by extended family? Extended family के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आएगा। देखो ये extended family पेज नंबर 6 के ऊपर जो पैराग्राफ है उसकी टॉप सेकेंड 2 लाइन्स इसका आंसर है। देखो ये An extended family includes your close relatives like uncle, aunt and cousins who live separately. Both maternal and paternal relatives are part of an extended family. देखो यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। ये आप लोगों को इस बुक में से करना है और लर्न भी करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लास्ट, हु आर फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स अपन ने डिस्कस किया होगा, आप लोगों को तो लर्न भी होगा। ये देखो पेज नंबर 7 पे आ जाओ, अडॉप्शन वाला जो पैराग्राफ है, अडॉप्शन वाले पैराग्राफ में सेकंड लाइन है द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द अडॉप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। ये आएगा देखो यहाँ, द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द अडॉप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स, ये इसका आंसर आएगा। इसी के साथ अपने यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास, अच्छा एक एक्टिविटी और है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप लोगों को करनी है। ये देखो एक पेज नंबर 10 पर एक एक्टिविटी दे रखी है, वो भी करनी है ना। ये देखो राइट द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। अपन को इसके अंदर इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के क्या करने हैं, इसके अंदर नेम लिखने हैं, आपके ओरिजिनल जो नेम है वो लिखिएगा। देखो इमीडिएट फैमिली कौन होती है, जो आप लोगों के साथ आप ही के घर में जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं आपके घर में अंदर आपके साथ,
वो जो है वो इमीडिएट फैमिली है, और आपके मैटरनल पैटर्न मतलब आपके मामा मामी चाचा चाची या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि आपके साथ नहीं रहते, वो क्या होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं। तो भाई जो इमीडिएट फैमिली आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी है उनके नाम यहाँ लिखने हैं या इसके अंदर लिखने हैं। कॉपी में एक टेबल बनानी है, उसमें इमीडिएट फैमिली के नीचे यहाँ पर नाम लिखने हैं और ब्रैकेट में उनका रिलेशन लिखना है। जैसे मान लो किसी के फादर हैं, फादर का नाम रमेश है, तो उन्होंने यहाँ लिखा रमेश और ब्रैकेट में लिख दिया फादर, है ना। मदर है, मदर का नाम मान लो किसी की मदर का नाम सुनीता है, तो यहाँ पर सुनीता लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया मदर। इसी तरीके से अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम यहाँ लिखने हैं। ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली में यहाँ पर मामा मामी अंकल आंट है ना, जो भी है आपके कजिन्स हैं जो भी, उनके अपन को यहाँ पर नाम लिखने हैं और रिलेशन लिखने हैं। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है, ट्रू फॉल्स आप लोगों को करने हैं और ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।